अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पर हम करेंगे MCM 301 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर हम MCQs भी देखेंगे और इसका सब्जेक्टिव पार्ट को भी कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है, 60-70% इसमें से MCQs लाजमी आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फाइल को। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग विद अ यू एटीट्यूड शो सिंसियर डैश फॉर द रीडर सिंपैथी। अच्छा, अब जब आप कोई भी चीज़ प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो आप जो सामने वाला बंदा है उसको आप यू कह के, यू का एटीट्यूड आप यूज़ करेंगे तो ये रीडर के लिए सिंसियर नहीं होता है। सिंपैथी इसको हम बोल देते हैं, सिंपैथी इसके लिए हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन रिस्पॉन्स फॉर डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर एक्सेप्ट वन। यहाँ पर तमाम के तमाम जो हैं ना वो डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर हैं, हमने वो बताना है कि जो नहीं है। तो रीअपेरेंस ऑफ द प्रेजेंटर, प्रेजेंटर का दोबारा से आना जो है ये डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर को शो नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सीट्स इन द लीस्ट कंफर्टेबल फॉर एन ऑडियंस स्पेशल बाय प्रेजेंटर डैट हैज़ लॉन्गर देन वन आर। अच्छा, अब यहाँ पर हमने वो स्टाइल बताना है, आपने ये स्टाइल लाजमी पढ़ लेने हैं। वैसे जो टी फॉर्मेशन यू फॉर्मेशन वाले स्टाइल हैं, इस पैराग्राफ को लाजमी पढ़ना है। तो हमने यहाँ पर बताना है कि जो आपने प्रेजेंटेशन देनी है और वो एक घंटे से ज़्यादा हो तो आपने कौन से स्टाइल को यूज़ करना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कंफर्टेबली बैठ सके। तो आपने कन्वेंशनल थिएटर में जिस तरीके से आप मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर आप इजीली कंफर्ट होकर बैठ सकते हैं ना 3-4 घंटे, तो वही स्टाइल को अपने यहाँ पर यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द सिटिंग अरेंजमेंट इन विच पीपल इन द ऑडियंस आर सीटेड इन रोज एंड कॉलम्स विदाउट टेबल्स। तो ये थिएटर स्टाइल होता है जहाँ पर विदाउट कॉलम्स एंड रोज पीपल लोग बैठे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर बोथ प्रोमोशनल एंड इन्फॉर्मेशनल। अच्छा, प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन के लिए कौन सा ऐसा डिज़ाइन है, कौन सा ऐसा स्टाइल है जो बेस्ट है, सूटेबल है, तो प्रमोशनल भी हो जाए और इन्फॉर्मेशन भी हो, तो यू फॉर्मेशन बेस्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ स्पीच डिज़ाइन टू चेंज आर रेनफोर्स द ऑडियंस बिलीव्स आर एक्शंस। तो कुछ कोई ऐसी स्पीच जो कि ऑडियंस का माइंड को चेंज कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, परसेसिव स्पीच इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, विजुअल एड्स परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। विजुअल एड्स कौन से काम परफॉर्म करते हैं, तो ये तीनों करते हैं। यहाँ पर हम लगा देंगे ऑल ऑफ द।